रोड ये लगा, ये देखे ये पूरा रोड बन लिया भाइयों, जो प्रशासन जो लगा के गया है वो समस्या है या कभी कोई शहर का पत्रकार, कभी कोई शहर का गणमान्य मंत्री जी, MLA, MP कोई शक कर ले, यह खड्डे हैं, यो शहर है। अगर कोर्ट परिसर के आगे की DC के डिपार्टमेंट की जजों की ऑफिसों की आगे की रोड की व्यवस्था सही हो सका है तो व्यवस्था यह भी सही हो सका है। दीवारा की है, यो VIP इलाका है, यो के इलाका पता है कौन ही। अब जज के एरिया में इस एरिया में फ़र्क क्या मनवा तो बता दो, अगर कोई फ़र्क समझा सके अधिकारी तो समझाएं, क्या ये कोर्ट परिसर का हिस्सा कौन ही, या कोर्ट परिसर के आगे पीछे की दीवार का साथ नहीं है, क्या DC साहब है, SP साहब है, या कोई प्रशासन कोई उड़ावे कौन ही, अगर है तो व्यवस्था यह भी दिखनी चाहिए। पूरे भिवानी शहर में मैं चैलेंज करता हूँ, चाहे कॉलोनी हो, सर्कुलर रोड हो या हुड्डा सेक्टर हो, 500 मीटर अगर कोई भी टुकड़ा साहब हो तो भिवानी में हर जगह दो दो फुट तीन तीन फुट के गड्ढे हैं। कितना इनाम दोगे वकील साहब, जो चैलेंज पूरा करेगा? हाँ, जो मुँह मांगे इनाम दूंगा। चलो वकील साहब, नमस्कार, मैं अजय बात वाय है, क्योंकि भाजपा सरकार है और JP दलाल यहाँ के कृषि मंत्री हरियाणा प्रदेश के जो बेरा के हैं अपना में तोबे हैं, लेकिन यो कोर्ट परिसर है, अब चाहे इसका दरवाज़ा यो हो, चाहे इसका दरवाज़ा जज साहब की कोठी तरफ खुलने वाला हो, चाहे इसका दरवाज़ा DC SP और अधिकारियों के दरवाजे के आगे खुलने वाला रोड की व्यवस्था हो, मंत्री जी दौरा करके सौभाग्य था पिछले जो जयवीर सिंह आर्य जी थे, DC साहब थे, अखबार की बहुत सुर्खियाँ बने, नू कर दो, होया कुछ को नहीं, होया यो कि कोई भी, आप दो पहलू देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर, एक तो गेट देखने लग रहे हैं व्यवस्था आप DC की और जजों की, आपके कोर्ट परिसर के दो पहलू क्यों बना दिए भाई, एक तरफ तो साफ सुथरा जन्नत वर्गा, इस तरफ नरक वर्गा, आगे पीछे बात ये है जी, वास्तविकता आपको पता ही है, हर चीज़ में जो दो कम्युनिटी होती हैव और हैव नॉट, पैसे वाला और गरीब, अच्छा, उसको आप कोई भी संज्ञा दे सकते हैं। ये रोड मेरे को 20 साल हो गए वकालत करते हुए, ये रोड और जो मेन रोड जो जा रहा है पासिया भवन की तरफ जो जाता है, इस रोड का इतना बुरा हाल है भाई साहब, यहाँ से निकल नहीं सकता आदमी, गाड़ी में तो दूर की बात, अब हम जा रहे थे एक दो जगह जाके आना था, वकील साहब कोई एक्सपायर हो रहा था उनके, लेकिन इतना बुरा हाल है जी, बार बार हम कई बार प्रशासन से मिल चुके हैं अजय जी, कई बार आप जैसे पत्रकार हैं वो मिल जाते हैं, पत्रकारों से भी रिक्वेस्ट करते हैं, अधिकारियों को भी, वो DC साहब बोले मंत्री जी दौरा नहीं करके जी, मुख्यमंत्री जी आ लिए दो तीन बार तो मुख्यमंत्री खट्टर जी भी आ लिए, तब ये हाल है। जब आप इस रोड को देखो जो हुड्डा डिस्ट्रिक्ट सेंटर की तरफ से आती है, सबसे ये डेवलपमेंट चार्जेस लेते हैं हुड्डा वाले, सबसे सुरेंद्र सिंह एक पार्क है, ये हुड्डा पार्क, ये इसी रोड पे बना हुआ है, इस रोड को वहाँ से शुरू हो जाओ, बासिया भवन से लेके पूरे रोड को खोद रखा है, कोई सुनने वाला नहीं भाई साहब, आप JCB लेके इस रोड को खोद दो बीच में से, तो भी आपको कोई ये नहीं कहेगा आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। अच्छा, यानी अंधों की नगरी है, नगरी तो अंधों की नहीं है जी, नगरी वाले कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन यहाँ जैसे आपने बताया पीछे प्रशासन के अधिकारी रहे, अधिकारी जो है अखबार में आने में, अपनी हर एक चीज़ सुर्खियां बटोरने में, इनोग्रेशन करने में इंटरेस्ट रखते हैं, नेता वाला काम जो है ना आजकल अधिकारी करने लग गए, और जो अधिकारियों वाला काम है वो कोई कर ही नहीं रहा भाई साहब, ना पानी की व्यवस्था है, जब बारिश होती है आप इस कोर्ट में देखोगे ना परिसर में ऐसा काम हो जाता है, तालाब बन जाता है। तो ये पढ़े लिखोगे बस्ती हर पढ़े लिखोगे ऑफिस है, तालाब भी बनेंगे है कि नहीं, देश के बड़े बड़े इंजीनियर हैं, पता नहीं देश में के है, चांद तक झंडा काट रखा है, लेकिन व्यवस्था कौन बना पाला है? गरीबी का जुडिशरी का देखा सिस्टम जी, ये कॉमर्शियल साइड है, सब पढ़े लिखे हैं, तबका है, अच्छे से बाहर रेस्टोरेंट बने हुए हैं, तबका आता है, पढ़ा लिखा भी आता है, गरीब भी आता है, वो जुडिशरी है और वो अफसर हैं जो PWD BNR के हैं या सरकार है प्रशासन है, वो उस कुछ तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है, इस साइड ध्यान ही नहीं दे रही है। और आपके सर साले साहब, आपको पता है कि आपके शहर के लिए कितनी एजेंसियां काम करती हैं इस व्यवस्था के लिए? 6 एजेंसियां हैं, क्योंकि BNR के एक्स ने मेरे को बताया था कि आपके शहर की व्यवस्था के लिए 6 एजेंसियां काम करी शहर के अंदर, और ये दशा है यहाँ भिवानी शहर के अंदर, अधिकारी हो या नेता हो, सारे सोए हुए हैं। और मैं कहूँगा जो भाजपा सरकार है
वो निकम्मी सरकार है। अरे बात तो अधिकारी है, भाजपा मंत्री दौरे दौरे कर ही जा है, कृषि मंत्री जी मुख्यमंत्री जी दौरे तो करेंगे कुलदीप साहब, काम तो अधिकारी कौन करना चाहिए। जब तक अधिकारियों का आप चूड़ी नहीं चढ़ाओगे ना, अच्छा, तो कोई भी अधिकारी काम नहीं करेगा। अच्छा आप देख लेना कहीं पर भी जब जन आंदोलन होता है सर के नेता कहते कृष्ण कन्हैया जी बन जाए है, कहते कि बन जाए, कहते कि बन जाए, सुदामा जी बने रहे हैं, केडिया साहब है सर, डीसी कोठी का आगे तो रोड भी बढ़िया है, ऑफिस का आगे जज की जाओ सारे साफ सुथरे हैं, अरे देखिए मोर नहीं बैठा मार दिया। अजय जी सबसे पहले तो मेरे को एक बात की खुशी भी है और गर्व भी है कि पिछले करीब मैं एक महीने से देख रहा हूँ। अच्छा, और आप जिस प्रकार से शहर की दुर्दशा की तस्वीर पब्लिक में और सरकार को दिखा रहे हो, ये एक सच्ची पत्रकारिता है। थैंक यू। और वास्तव में जो है शहर की बहुत भारी दुर्दशा है, सड़कों की भी, कृष्ण जी मन जाओ, वेशभूषा कर लो, चक्कर धारण कर लो, सब काम कर लो हो, लेकिन व्यवस्था को नहीं देख पावे, हर प्रोग्राम में पावे, सरकारी हो प्राइवेट हो पता नहीं कहाँ कहाँ के प्रोग्राम हो, लेकिन सारा होता बैठा ना जी व्यवस्था यह शहर की देख लो, यह देख लो, यो कोर्ट परिसर के रोड के आगे का माहौल है, अगर कोई अधिकारी किसी नेता को भाई शर्म नाम की चीज हो तो उड़ा के आ जाओ, बरी ये देख लो, ये व्यवस्था देख लो, क्या रोड है, क्यों डीसी की कोठिया डीसी को ऑफिस का आगे तो व्यवस्था है व्यवस्था, और इस रोड पर व्यवस्था क्यों को नहीं है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप दो कहूं सर, मैं सरकार को और अधिकारियों को कहना चाहता हूं कि पूरे भिवानी शहर में मैं चैलेंज करता हूं, चाहे कॉलोनी हो, सर्कुलर रोड हो या हुड्डा सेक्टर हो, 500 मीटर अगर कोई भी टुकड़ा साबित भिवानी में हर जगह 2 फुट 3 फुट के गड्ढे हैं। कितना इनाम दोगे वकील साहब, जो चैलेंज पूरा करेगा? हाँ, जो मांगे इनाम दूंगा। चलो वकील साहब, नाम क्या आपका? शंकर शर्मा एडवोकेट। शंकर शर्मा एडवोकेट ने भी इनाम दूंगा, मुंह मांगा जो 500 मीटर का मतलब बढ़िया टुकड़ा दिखा दो शहर के अंदर रोड की व्यवस्था में। ये देखो, हाँ यो यह सफाई है, तो अगड़े साहब आगे आ जाओ, बोल आ जाओ, तो यह सफाई है और कोर्ट परिसर है, अब सफाई कर्मचारी आ रहे हैं, टाइम और है 1:10 रोड ये लगा, ये देखें ये पूरा रोड बन लिया भाइयों, जो प्रशासन जो लगा के गया है वो समस्या है या कभी कोई शहर का पत्रकार, कभी कोई शहर का गणमान्य मंत्री जी MLA MP कोई शक कर ले, यह व्यवस्था है जो कहीं ना कहीं थूक के बंद लगा के गए थे अधिकारी नेता के आने पर, जो आज व्यवस्था आपकी दिख रही रोड के ऊपर, यहाँ पे आपके जो लगाते थेगड़ी वो थेगड़ी लगाई हुई है, ये देखें ये यह थेगड़ी आपके शहर के लिए, मंत्री जी का दौरा के असफल दिखे फिर ये, मैं तो ये कहूँगा कि भिवानी के विधायक की असफलता है, असफलता है और जो है कि नहीं, और मैं तो ये भी कहूँगा कि इस प्रकार की व्यवस्था अगर विधायक नहीं सुधार पाता है तो रिजाइन दे देना चाहिए। रिजाइन क्यों देगा? रिजाइन तीन तीन बारी बनाओगे तो रिजाइन कैसे देगा विधायक? ये देख लो भाई व्यवस्था शहर की, मंत्री जी आवे, मंत्री जी दौरा कर जा, क्या ये छोटी काशी के अंदर कोनी या DC के जजों की जो ऑफिस है वहाँ के रोड जो आज चकाचक होने चाहिए, बाकी शहर ने गुना कर रखा है वो कोई बता सकता है अधिकारी? और आपके शहर के लिए 6-6 दिन से काम कर रही है रोड को, रोड की व्यवस्था के लिए, क्योंकि मेरे को यही बताया हुआ था, लेकिन व्यवस्था ये है, बस ये है कि यो कोर्ट परिसर है और थूक के बंद लगाने हैं, क्योंकि दीवार देख लो, यो व्यवस्था दीवार की है, यो VIP इलाका है, यो के इलाका पता है कौन, अब जज का एरिया में जिस एरिया में फ़र्क क्या है मैंने बता दो, अगर कोई फ़र्क समझा सके अधिकारी तो समझाएं, क्या ये कोर्ट परिसर का हिस्सा कौन है या कोर्ट परिसर के आगे पीछे की दीवार का साथ नहीं है, क्या DC साहब है, SP साहब है या कोर्ट परिसर कोई उड़ावे कौन, अगर है तो व्यवस्था यह भी दिखनी चाहिए, आगे फूल बाग सब कुछ है उनके जजों की कोठी के जजों के ऑफिसों के आगे, रोड की व्यवस्था बात करें तो पार्किंग भी है, सब कुछ व्यवस्था है, यह व्यवस्था शहर की है जिसके लिए 6-6 एजेंसी काम कर रही है, जिसका जिसका काम बांट लियो, अब मैं इस तबली हूँ दिखा। हाँ बड़े भाई को नमस्ते, नमस्ते, लेट हो गए कि मैं? हाँ भाई आजी, लेट हो गए? लेट कहाँ हो जी, परले छोटे सब ठा गए, क्या टाइम हो गया घड़ी में देखती मैं? फिर जी भगत सिंह चौक से लगते हैं और जी रोहतक गेट, बिजू टावर और जी ये छोटे पूरा कम में चक्कर है, पूरा दूसरा चक्कर है जी हमारा इस एरिया का, इस कूड़े का नायक चक्कर तो हम डाले है जी, इस कूड़े का इसे अभी आए जी, इसका पहली बार आए हो? चलो खेदर साहब 1:15 आए हैं यहाँ पे पहली बार चकने के लिए, तो चकन तो है लाग रहे हैं, तो नया तो डाली अच्छी बात है, काम करो भाई,
शहर आपका है वो भी आगे तक साफ करो। यो अड़ंगा पहले यो करा जा भैया, आ जा भैया पहले आ जा, यो करा जा बेटा, आ जा लिया पहले यो ला, आ जा पर आ जा पहले यो मार 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 इसका मार, आज खड़े हो सफाई करवाएंगे सफाई कर्मचारी पर, आ जा आगे आ जा हम दलिया अपना हीरो बनाऊंगा शहर का देख। एंटी आदमी आ गया सफाई कर्मचारी सारे टट्ठा हो गए, थूके मत ना लगावे, जो भी अपना है थाले ने थाले ने साफ करे साफ सुथरा। और रिक्वेस्ट उन लोगों से जो उड़ा है कूड़ा डालना है पूरा डस्टबिन की व्यवस्था नहीं है तो कृपया करके ऐसी व्यवस्था बनाओ कॉलोनी वासी ताकि सफाई हो सके और बताया जा सके। ये डीसी के कोठे का डीसी के ऑफिस का पीछे का हिस्सा है जो आज जगमग है, और डीसी के कोठी का हाल दिखाऊंगा, डीसी के ऑफिस के आगे का दिखाऊंगा व्यवस्था की व्यवस्था उसका आगे की है और यहाँ की व्यवस्था ऐसी क्यों है। नमस्कार बेटे, क्या नाम है? मयंक। मयंक कौन सी कक्षा पढ़ते हो? फोर्थ में। रोड की व्यवस्था क्या देख रहे हो? गंदी है। क्यों गंदी क्यों है ये कितना सा? तो गेट नंबर 2-3 आ गया भाइयों, मैं 2 नंबर गेट भूल गया खड़े सी गया तो, लेकिन व्यवस्था यह है गेट नंबर कोर्ट परिसर के आगे की। अब उरा आदमी को नहीं आवे, अधिकारी आने जरूरी है, नेता आने जरूरी है, तब जाके रोड की व्यवस्था दिखेगी कि ये खड्डे आदमी के एक्सीडेंट होने पहला यह व्यवस्था दिख जाएगी प्रशासन ने। नमस्कार सर, यह व्यवस्था आज आपके दिन की, और देख लो आगे मौत का सामान छोटी काशी के अंदर नहीं दिखता हो तो, अगर इस खड्डे के अंदर कोई पड़ेगा आओगा बाइक लेके जाएगा तो क्या व्यवस्था होगी ये देख लो। ये देख ले यह खड्डे हैं, यो शहर है। अगर कोर्ट परिसर के आगे की डीसी के डिपार्टमेंट की जजों की ऑफिस होगी आगे की रोड की व्यवस्था सही हो सका है तो व्यवस्था यह भी सही हो सका है, क्योंकि यो शहर भी आपका है और आप वो अधिकारी हैं जो आज ड्यूटी करने लग रहे हैं। अब यहाँ के लोगों से पूछवा दूँगा यह समस्या कितने वर्षों पर पुरानी है, यह समस्या जो है कितने वर्ष पुरानी हो गया भाई साहब? ये कई साल पुरानी हो रही है जी, बहुत परेशान है लोग यहाँ से, कई आते जाते कई लोग गिर भी चुके हैं, बुजुर्गों को भी चोट लग चुकी है कई बार, और कई बार हमने उठाया भी है उनको पकड़ करके। और डीसी और जज की कोठी का तो रोड बढ़िया चका चका, वहाँ तो बिल्कुल बहुत बढ़िया है। आदमी कौन सी होगी यहाँ पता नहीं, यहाँ से कभी आते जाते तो है नहीं जी, यहाँ जाएंगे तो पता लगेगा जी। ना जी मंत्री जी यहाँ से नहीं आते जी, पहली तरफ से ले जाते हैं उस साइड से, दूसरी साइड से ले जाते हैं जी, इस साइड से नहीं आते। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, रोड टूटा पड़ा ना झटके लगते है, मंत्री जी ने अधिकारी ले आओ तो शर्म आवे। कोर्ट परिसर को नहीं या कोर्ट परिसर के आगे का हिस्सा को नहीं, लेकिन व्यवस्था यह है, आज और दिखा दूँ बताऊँ। और कोर्ट परिसर के अंदर आनी है दुखी आदमी, बेसहारा आदमी, भाई आश्रय के लिए धूप के अंदर अगर आनंद लेना चाहे मजा लेना चाहे तो वो भी कौन ले सके, क्योंकि इसकी व्यवस्था भी यह है। अब काम किसके अंडर का है पता है को नहीं, लेकिन डीसी साहब हो, जज साहब हों, उनके एरिए भी साफ़ हैं, उनके ऑफिस भी साफ़ हैं, साफ सुथरे हैं, इसलिए उनको साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन शहर के अंदर की व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही आज डीसी को और जजों को की व्यवस्था ये भी है आपके ऑफिसों के पीछे की, यानी दीवे के नीचे अंधेरा आज गेट कोर्ट परिसर नंबर 3 के आगे देखा जा सकता है। अब कारण क्या है पता है कौन, अधिकारी हैं पता है कौन, कंपनियाँ काम करने वाली हैं पता है कौन, लेकिन पता है तो यो पता है छोटी काशी का आज के दिन का। वकीलों के गेट से आगे हो गए मैं घूम गया भैया, अब यह बाउंड्री शुरू हो गई है VVIP के लिए, भाई यहाँ पे न्यायालय परिसर के जज साहब बैठते हैं, जज साहब हैं, उनको ऑफिस है, भाई सब कुछ है, इस साइड में है क्योंकि कानून है भाई, और उसके ऊपर का हल भी आए है, कोई ज़्यादा बढ़िया कौन है। अब काम होया है, शुरू हो रहा है, बंद हो रहा है पता है कौन, लेकिन अब कोर्ट परिसर के जजों की ऑफिसों का आगे भी वो हाल है, नज़ारा देखें उसको ऑफिसों का आगे का हाल देखें। अब ये देखें जैसे बोलते जन्नत, अब यहाँ पे पार्क घास बोया जा सका है तो उस स्थान के ऊपर भी बोया जा सका है जो आज टूटा फूटा पड़ा है उसी दीवार के आगे पीछे, तो जज साहब के लिए तो 5-star वाली फीलिंग, पार्क भी पार्किंग भी सब व्यवस्था, और आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं, ना रोड ना व्यवस्था ना कुछ, यानी ये है जीना है मरने के लिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये लोगों ने बोला भी और देखा भी कि
यहाँ पे आज के नज़ारा है और रोड भी ऐसा है दादा लो पुत्ता बरतो। नमस्कार। ब्रेकर भी कौन टूटे हैं के रोड के और यह व्यवस्था है मजाल है। कितने भी जज साहब की गाड़ी का जाल भी लग जा देख लो अंदर तक की व्यवस्था देख सकते हैं आप। जो आज आप अंदर तक की व्यवस्था आपको मैं दिखा रहा कि ये जज साहब का इलाका है एरिया है तो ये साफ सुथरा है लेकिन वो आम आदमी का इलाका है वो आम आदमी को चलने के वाला इलाका है तो वो साफ सुथरा नहीं है चलेगा। हम आगे एसपी कार्यालय और डीसी कार्यालय का जाने का रास्ता है और ये देख लो बिल्कुल साफ सुथरा चकाचक। अब यो साफ सुथरा हो सका है तो उस रोड की व्यवस्था भी साफ सुथरी चकाचक हो सका है क्योंकि वो भी लोग जीवे हैं। और आगे आ जाओ यहाँ के आपके पार्क की जहाँ नज़ारा पार्क का कि पार्क का नज़ारा के है और पार्किंग का नज़ारा के है तो ये तो पार्क है जो आज वीवीआईपी आज निकल निकल कर गेट के आगे से जाएंगे तो उनको सब हरा भरा दिखना चाहिए भाई। अधिकारी की निगाह में कोई ऐसी चीज़ ना जाए कि जैसे कोई तोहिन हो जाए शहर की। लेकिन पार्क की व्यवस्था देख लो साफ़ सुथरा है सब कुछ है सफाई है सब कुछ है लेकिन उस रोड की व्यवस्था नहीं है उस व्यवस्था की व्यवस्था नहीं है जो जहाँ पे होनी चाहिए। तो एक पहलू के दो सिक्कू सिक्के छोटी काशी के अंदर देखें अब ये पार्क है और वो भी एक रोड के ऊपर पार्क था पता नहीं क्या था क्या था क्या था क्या था पता ही नहीं। लेकिन ये व्यवस्था है अगर यहाँ पे व्यवस्था दुरुस्त हो सकती है तो अधिकारी को एक मिनट सर अधिकारी को वो व्यवस्था दिखाओ जो ज़रूरी आपके सर डीसी एसपी की रोड की व्यवस्था भी एक नंबर की है पार्क की व्यवस्था भी एक नंबर की सर वहाँ पे पार्किंग भी है पार्क भी है सर वहाँ पे रोड भी है सर वहाँ पे से आम आदमी जाते हैं यहाँ पे वीवीआईपी चलते हैं फर्क ये नहीं सर लगता नहीं कि वीवीआईपी की आँखों के अंदर आरा आरा देखना चाहिए सब कुछ बस ये दिखे कि शहर मेरा साफ सुथरा है। लेकिन कोर्ट परिसर के पीछे की दीवार का ये हाल है सर वहाँ पे पैदल आदमी चल नहीं सकता सर ये बात सही कह रहे मानते ना हाँ सर डेवलप कहाँ पे हुआ काम कहाँ पे हो रहा सर रात्र हो रहा है चांद पे काम शुरू कर दिया सर देश ने सर थोड़ा सा प्रशासन को जो पार्किंग की सुविधा है कोर्ट परिसर के बैक साइड में जो LIC रोड की आप बात कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने योग्य चीज है। चलो सर थैंक यू मैंने एक नागरिक को जगाया प्लीज सर आप जाए ना तो उसी रोड से जरूर निकले आपसे विनती है। तो कार्यालय है अधिकारी है सब कुछ है तो व्यवस्था यहाँ की होगी क्यों नहीं होगी होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से तो जिला शहर सब कुछ चलता भैया तो यहाँ की व्यवस्था हो सकती है तो उस एरिया की व्यवस्था भी हो सकती है जो प्रशासन के अंडर का है और प्रशासन उसको दुरुस्त करवा सकता है अपने बलबुते के ऊपर अपने अधिकारों के अंदर। लेकिन दुर्भाग्य यह है उस रोड की व्यवस्था उस पार्क की व्यवस्था उस पार्किंग की व्यवस्था पता नहीं कुछ नहीं दिख रहा तो ये दिख रहा कि बस है सब कुछ है लेकिन ना के बरोबर बात गलत हो तो कोई केस ना करे धरातल पे आगे कार्य को जांच करे कभी कोई अधिकारी होते केस कर दूंगा क्योंकि जब साहब का भी एरिया दिखाया है डीसी साहब की कोई ऑफिस का अंदर आ रहा हूँ तो कभी कोई केस ना करे। वास्तविकता में अगर केस करना है तो उन लोगों पे करें जो आज अपने काम के प्रति कोताही बरतने का काम करे शहर के अंदर क्योंकि शहर एक पहलू दो इधर जन्नत और उसी व्यवस्था के अंदर नरक जैसी हालात। ये कोर्ट परिसर के गेट थे और यह उनकी व्यवस्था थी। JNC न्यूज़ से अजय नायक पंकज सोनिया खास रिपोर्ट।